रांची में हुए आर्मी जमीन घोटाला मामले में ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए कोलकाता के सब रजिस्ट्रार प्रदीप मिश्रा हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ईडी कार्यालय पहुंचने के बाद प्रदीप मिश्रा मीडिया से बचने के लिए फाइल से मुंह ढक कर कार्यालय के अंदर गए। उनसे ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। लगभग 11 बजे वे क्षेत्रीय कार्यालय आए। इससे पहले सोमवार को रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ की गई है। अब इस मामले में रांची डीसी रह चुके छवि रंजन से दोबारा पूछताछ की जाएगी। उन्हें 4 मई को हाजिर होने को कहा गया है। इसके बाद 8 मई को कारोबारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होगी। सोमवार को ईडी के अधिकारियों ने रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ की। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ के दौरान सब रजिस्ट्रार ईडी के कई सवालों का जवाब देते हुए असहज हुए। उनसे जमीन रजिस्ट्री के लिए किसने दबाव बनाया था, कागजातों की जांच में गड़बड़ी से संबंधित कई सवाल पूछे गए। ईडी रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी के जवाब से संतुष्ट नहीं हो सकी है। वहीं सोमवार को ही रांची सिटी डीएसपी और सदर थाना प्रभारी ईडी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने इस जमीन घोटाला से संबंधित जांच के दस्तावेज ईडी को सौंपे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।